बिहार चुनाव के महासंग्राम के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान फुर्सत में एक साथ समय बिता रहे हैं। इस वक्त वो दिल्ली में हैं अपने घर पर और योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, 45 दिनों की भाग दौड़ के बाद कैसा लग रहा है एक साथ समय बिताना? पासवान जी, दिल्ली आप पहुंचे हैं, बिहार में 45 दिन आपने भाग दौड़ धूप की, कैंपेन किया, अब कैसा लग रहा है? नहीं, अभी रिलैक्स तो हैं, बहुत रिलैक्स हैं, फिजिकली रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन मेंटली तो जब तक 8 तारीख का रिजल्ट नहीं हो जाता है तो स्वाभाविक है कि 8 तारीख पर नज़र है। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप स्टार कैंपेनर थे, इस चुनाव में काफ़ी डिमांड में रहे और अब तो पिता के साथ इकट्ठे समय बिताने का, मेरे ख्याल 45 दिनों के बाद, शायद इतने दिनों के बाद साथ समय बिताने का मौका मिला? हाँ, एक रिलैक्स मोड में काफ़ी दिनों के बाद समय मिला, बट अदरवाइज भी हम लोग जैसे कैंपेन ख़त्म करके आते थे शाम को 6:30-7 बजे, जब हेलीकॉप्टर से जब पूरा प्रचार समाप्त होता था तो रात में हम लोग शाम को रोज़ शाम 6:30-7 बजे हम लोग साथ में बैठते थे, बट 1.5 घंटा हम लोग उस वक्त ज़रूर साथ में बैठा करते थे। बट हाँ, ये है कि एक रिलैक्स मोड में आज बहुत समय के बाद ये समय मिल रहा है जहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स और कैंपेनिंग से हट कर बातें कर रहे हैं। पासवान जी, क्या हर रोज़ आप योगा एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं? बिल्कुल, चुनाव के समय में भी जो है हम अपने ऊपर में 1.5 घंटा का समय रखते हैं, 45 मिनट कम से कम वॉकिंग में घूमते हैं, बाहर में तो घूमना नहीं होता है तो मतलब अंदर में ही जो है घूम लेते हैं रूम में, और 45 मिनट जो है ये योगा करते हैं, तो 1.5 घंटा हम अपने लिए रखते हैं। चाहे हमको 8 बजे जाना हो तो हम 5 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे जाना हो तो 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन करते हैं। इसलिए इतना फिट है, कहा जाता है आपके बारे में कि हमेशा से आप एकदम फिट हैं? नहीं, पता नहीं कि फिट हैं कि नहीं है, लेकिन करना चाहिए योगा जो है हम, और एक्सरसाइज जो है करना चाहिए सब लोगों को, हमको अपने अनुभव से कर सकते हैं। चिराग, आपने तो बहुत वेट लूज़ किया, आप फिल्म में भी काम किया, आपने स्टार भी बने, आप कि वेट लूज़ करने की वजह क्या थी, क्या इतनी मेहनत करनी पड़ी चुनाव कैंपेन में, या खाने का सिस्टम ठीक नहीं था, या जानबूझ के वेट लूज़ किया? नहीं, जानबूझ के तो खैर नहीं, बट हाँ अगर हो जाता इन द प्रोसेस ये भी एक अच्छा ही रहता है, बट आई थिंक लोकसभा चुनाव के वक्त भी मेरा लगभग 14 किलो वेट ड्रॉप हुआ था और विधानसभा में अभी लगभग 7-8 किलो मेरा वेट लूज़ हुआ है। आई थिंक इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहता है और खाने का एक फिक्स टाइमिंग नहीं हो पाता है। मुझे याद है मुझे लगता है पूरे थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन दिन की सिर्फ एक मील मेरी होती थी, शाम को 7:30 के आसपास पहली और आखिरी मील मेरी होती थी, दिन भर समय ही नहीं मिलता था, बैक टू बैक रैलीज़ हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, रोड शोज़ हो रहे हैं, अपनी वॉर रूम, अपनी बैक ऑफिस टीम के साथ बैठ के अगले दिन का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, दिन भर की मॉनिटरिंग चल रही है, खाना प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रहता था, तो जब मिल गया उस वक्त खा लिया, नहीं मिला तो दिन भर ऐसे ही बिना खाए भी चलता रहा काम। तो आई थिंक लैक ऑफ मील एट द राइट टाइम ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है वेट लूज़ होने का। बहरहाल मुझे लगता है अब यहाँ से वापस एक रूटीन सेट होने लगेगा। स्टार से स्टार प्रचारक, क्या फ़र्क लगता है? ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता हूँ। आई थिंक जब आप प्रदेश भर की जिम्मेदारी लेने निकलते हैं, आज जब हम लोग इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि 2 दिन के बाद राज्य में हम लोग की सरकार होगी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हर वो बातें जो मैंने मन से कही, युवा हूँ, युवाओं के बारे में मैंने बहुत बातें कही, खुद मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, करीबी रूप से मैंने देखा है कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश में हम बिहारियों को अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, हमें गालियाँ दी जाती हैं, ये बातें मुझे व्यक्तिगत तौर पर विचलित करती थी। हर मन से मैंने इस मुद्दे को उठाया, मेरी सोच है मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बिहारी युवा साथी को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने हर मन से कही, इसको अब पूरा करना, इसको निभाना, तो एक जिम्मेदारी का एहसास है। लोकसभा में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड थी आपकी और नए नए आए भी थे उस टाइम, तो क्या फ़र्क आपको लगा इस बार, ज़मीनी हकीकत से वास्ता पड़ा आपको? ईमानदारी से बोलूँगा हाँ, वास्ता पड़ा, बट इस बार थोड़ा सा और रिलैक्स था मैं। लोकसभा के वक्त मैं खुद प्रत्याशी था और इस बार मैं एक प्रचारक की भूमिका में था। बहुत डिफरेंस होता है जब आप प्रत्याशी होते हैं और प्रचारक होते हैं, प्रत्याशी में और बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं, टेंशन्स होती हैं, आप खुद अपना चुनाव लड़ रहे होते हैं, हार जीत को लेकर एक अलग ही एक चिंता बनी रहती है,
प्रचारक मुझे लगता है थोड़ा सा आपको और रिलैक्स कर देता है जब किसी और के लिए जाके आपको प्रचार करना होता है। बट हैविंग सेड इट ऑल, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में उतनी ही रहती है। यहाँ पे एक प्रदेश भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाया अपने प्रत्याशी, वाया अपने कैंडिडेट्स आप ओन कर रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में आप डायरेक्टली अपने लोकसभा की, आज की भी तारीख में मुझे लगता है जमुई लोकसभा मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ के 20 लाख लोगों के भविष्य में आने वाले 5 सालों में जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। पासवान जी, आपके पुत्र काफ़ी डिमांड में थे इस बार चिराग, और आप 40 साल से ज़्यादा से आप इलेक्शन देख रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको जब आपके बेटे की इतनी डिमांड हो स्टार प्रचारक रूप में पूरे प्रदेश में? इससे ज़्यादा खुशी बाप को और क्या हो सकती है कि, और सबसे ज़्यादा कोई भी बाप, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक बार कहा था कि हर आदमी चाहता है कि मेरा कंपटीटर हो, नहीं हो, हर आदमी अपने के आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारा संतान हमसे आगे निकले। और जब हम बाप अपने ही सामने में देखे कि मेरा बेटा एमपी हो गया है, और एमपी के अलावे सबसे जो बड़ी चीज़ है कि पहचान, आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि पूरे देश में जो है वो चिराग का पहचान रामविलास पासवान के नाम से नहीं है, चिराग का अपना पहचान है। और वो पहचान इस सेंस में हो कि हर आदमी समझे कि जो नेता पुत्र हैं और उसमें से चिराग पूरे देश में सबसे अव्वल है, सबसे आगे चल रहा है, इससे ज़्यादा बाप को और क्या खुशी हो सकती है। एक बाप होने के नाते आप स्वयं समझ सकते हैं। आपने नेता पुत्र की बात की, ये एक आरोप लगता रहा है कि पिता अपनी विरासत जो है अपने पुत्र को देता है, तो आपको कहीं लगा था उस टाइम कि लोग सवाल उठाएंगे कि पुत्र को विरासत दी जा रही है, पुत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं देखिए, सब हमने कभी इस पर नहीं सोचा और न मैं सोचता भी नहीं हूँ, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी जो है अपने पुत्र या पुत्री को विरासत सौंपना चाहता है। यदि कोई कहे कि मैं नहीं सौंपना चाहता हूँ तो झूठ बोलता है, हिपोक्रेसी है। हर आदमी, यदि आप बाप हैं तो आपको बेटा के प्रति जो है दायित्व होता है, बेटी के प्रति दायित्व होता है। बेटा बेटी को लायक आप नहीं बना सकते हैं तो आप बाप नहीं हैं। और स्वाभाविक है कि जो जिस प्रोफेशन में रहता है वो प्रोफेशन में उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस में आगे बढ़ जाता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन में आता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर में आता है, हर का होता है। लेकिन आप उसको मेरिट नहीं दे सकते हैं, प्रतिभा जो है उसकी अपनी होती है। सोनिया और लालू यादव को फिर क्यों टारगेट किया गया कि सोनिया और राहुल गांधी का टारगेट का सवाल ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लीडरशिप थोपे नहीं, हमने चिराग पर कभी लीडरशिप थोपा नहीं। चिराग फिल्म में जाएगा ये इसका अपना डिसीजन था, चिराग पॉलिटिक्स में आया ये इसका अपना डिसीजन है, कल चिराग क्या करेगा ये इसका डिसीजन है, हम ना उसको थोपते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बीहर जंगल है, ये बीहर जंगल को यदि आप शेर के बच्चे हैं तो फतह कर लेंगे। इसलिए राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उनके ऊपर में ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स थोपना नहीं चाहिए कि राज के आप ही राष्ट्र के नेता हो। राष्ट्र का नेता बनने की उसमें क्षमता होगी तो राष्ट्र का नेता बन जाएगा, नहीं क्षमता होगी तो खत्म हो जाएगा। लालू यादव के बेटे भी पॉलिटिक्स में आ गए, उनकी बेटी भी पॉलिटिक्स में। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी सारी शुभकामना है, उनके बेटे भी आए हैं बेटी भी आए हैं, उनके में प्रतिभा होगा तो आगे निकल जाएंगे, नहीं प्रतिभा होगा तो खत्म हो जाएंगे। चिराग में प्रतिभा होगा तो चिराग आगे निकल जाएगा, और हमको खुशी इस बात की है कि आगे निकल रहा है, तो इससे ज़्यादा बाप को और खुशी क्या हो सकती है। चिराग, आप अपनी तुलना जो राजनीति में लोग हैं उनके पुत्र पुत्रियों से करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या लालू यादव के बेटे हों या बाकी भी नेता उनके बच्चे राजनीति में, तो आप अपने आप को किन से तुलना करना बेहतर समझेंगे? अशोक जी, ईमानदारी से बोलूँगा, मैं किसी से तुलना करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस पे काम करता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखता हूँ किसी के लिए भी। लालू जी के पुत्र राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी मैंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी, दोनों मेरे छोटे भाई के समान हैं। राजनीति में आए, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, प्रदेश और देश के हित में काम करें, यही उम्मीद उन रखता हूँ, यही विश्वास करता हूँ। कॉम्पिटिशन मेरा किसी से नहीं है, ईमानदारी से मुझे लगता है हर बीतते दिन के साथ जो मैं अपने लिए पैरामीटर सेट करता जा रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से ही है।
अपनी वीकनेसेस को और बेटर कर रहा हूँ, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, अपने पे ही काम कर रहा हूँ। पासवान जी, नींद तो नहीं आई होगी रात एग्जिट पोल देख करके? नहीं, हम कभी एग्जिट पोल वगैरह पर बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं, चाहे हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। वो चिराग हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई मैंने काम किया है, फील्ड को देखा है। तो सबसे बड़ी बात है जी, नहीं पर लगा तो होगा कि एग्जिट पोल उम्मीद के विपरीत आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पूछो कि मैं हमारे मन के लायक जो चीज़ होता है मैं उसी को देखता हूँ। मैंने एग्जिट पोल में सिर्फ जो है चाणक्य को देखा है कि जहाँ 155 हमको दे रहा है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ कौन कितना हमको दे रहा है। क्योंकि मैं इस बात को भी जानता हूँ कि हम 5 साल से जिस कंस्टिट्यूएंसी में काम करते हैं, तो हम 5 साल से उस कंस्टिट्यूएंसी के संबंध में हमको जानकारी नहीं होती है, तो 5 मिनट में कैसे जानकारी जो आपको हो जाएगी। लेकिन हम सर्वे की रिपोर्ट को कभी हम ये चैलेंज भी नहीं करते हैं। सर्वे रिपोर्ट अपने जगह पर सही भी होता है, गलत भी होता है। लोकसभा का चुनाव हुआ था, हर सर्वे रिपोर्ट में लोजपा को 1 सीट दे रहा था, वो भी रामविलास पासवान का सीट। और हम लोग हमेशा, चिराग हमेशा कहते थे कि हम 7 सीट जीत जाएँ तो कोई आश्चर्य नहीं है, 5 सीट तो कम से कम जीतेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनकी पूरी फैमिली के साथ। पासवान जी, परिवार के साथ ये पल काफी दिनों के बाद आपको मिला होगा, पत्नी की रीना जी के साथ बैठने का मौका। बहुत दिनों के बाद जो है, 1.5 महीना तो है, एक दिन बीच में एक आध बार आते थे ऑफिशियल काम से कभी आए, तो फिर रात में आते थे और मॉर्निंग में जो है 8:40 के प्लेन से पटना से चलते थे, मॉर्निंग 7 बजे जो है फिर चले जाते थे। लेकिन कभी बैठ करके बात करने का या चाय पीने का मौका पहले कभी नहीं मिला। रीना जी, कैसा लग रहा है आपको कि पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ बहुत दिनों के बाद हम लोग इकट्ठे बैठ करके चाय पी रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जो आए, आप रात सो पाए आप सब लोग आराम से, या बात ही करते रहे, या क्या किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का सरकार बनेगा, NDA का सरकार बनेगा। एग्जिट पोल की कोई चिंता नहीं है? नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं। कुछ बना के खिलाया आपने 1.5 महीने 45 दिन के बाद ये खास? जी, घर में अब डेली कुछ ना कुछ बनता है, जैसे इनको चिली चिकन वगैरह पसंद है तो इनके पसंद का वही खाना बनता है। चिराग को क्या पसंद है? चिराग को चिकन पसंद है, ऐसे दाल चावल भी पसंद करता है, तो कुछ भी इसके लिए, इसको कोई खाने का ऐसा नहीं है। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इकट्ठा हुए हैं 45 दिन के बाद, तो कुछ स्पेशल इन्होंने फरमाइश की और आपने खास मन से बना के खिलाया? ऐसा कुछ वो नहीं है, इनको बस खाना ही बहुत सिंपल खाना पसंद है, तो उसी टाइप से खाना पड़ता है। पासवान जी, जहाँ तक चुनाव की बात हम लोग कर रहे थे, एक मुद्दा ये भी आया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, तो आपको लगता है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर NDA या BJP की ओर से घोषित किया जाता, उसका थोड़ा फायदा होता? देखिए, इस मामले में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमने शुरू से ही कहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा संभवतः भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। वैसे हमने शुरू से ही कहा था कि लोजपा का मुख्यमंत्री होने का सवाल नहीं उसका उठता। फायदा होता कुछ तो अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके ही जो है फैसला लिया होगा नहीं मुख्यमंत्री पहले घोषणा करने का। इसलिए उस संबंध में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इस संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।